नमस्कार राधे राधे, मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को एकादशी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस संसार में समस्त जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवत सन्निधि के लिए भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्यतः व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा, प्रकाशक तत्वों में सूर्य, देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी के इस पवित्र व्रत को करने से मनुष्य के सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। इस संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार हम अपने संपूर्ण भोगों से विरत होकर स्व में स्थित हो सकें और उन क्षणों में हम अपनी सात्विक वृत्तियों से भगवत चिंतन में संलग्न हो जाएं, इसी के लिए एकादशी व्रत का विधान है। आइए अब हम सब भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं और इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस अजा एकादशी का महात्मा और इसकी कथा को ध्यान लगाकर सुनिए। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नरपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के सातवें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए।
उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुबियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा और उसका महात्म्य सुनाया गया। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। यह एकादशी हम सबके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता सफलता और प्रसन्नता प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।